नमस्कार, मैं निधि लूथरा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। भड़के ड्राइवर के हाथ में कैमरा देख दुम दबाकर भागे पुलिसकर्मी, चलिए देखते हैं कैसे। अब बताओ ना, नुकसान क्यों किए हो? बात तो सुन ले। नहीं नहीं नहीं, आपने चालान काटना तो मैं लाइसेंस मंगा कर चालान कटवा लेता सेठ से। आपने क्यों किया ऐसा? अथॉरिटी है चाबी निकालना, चाबी निकालना अथॉरिटी है क्या सर? ये बाईपास है टाटी मन का। मैंने बोला अगर चालान काटने काटो, अगर गाड़ी खड़ी है आपने, आपके पास अथॉरिटी है चाबी निकालने का? गाड़ी का अथॉरिटी है? अथॉरिटी है? ये देखो पेट्रोलिंग हाईवे वाले हैं सब। देखा आपने, ड्राइवर बाईपास पर साइड में खड़े थे, हाईवे पेट्रोल पुलिस आई और ड्राइवर से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे। ड्राइवर ने कहा, डॉक्यूमेंट्स तो मैं दिखा देता हूँ पर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि लाइसेंस कंपनी में डिपॉजिट होता है, और जिसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। इस पर कर्मी ने कहा कि फोटो नहीं चाहिए, आप हमें एंट्री दीजिए और यहाँ से जाइए। ड्राइवर ने कहा, एंट्री मैं नहीं दूंगा, आप चाहे तो मेरा चालान कर दीजिए। जिसके बाद ड्राइवर के आरोप है कि कर्मी ने चाबी निकालने की कोशिश की, जिसके कारण उसकी चाबी भी टेढ़ी हो गई। पर उसके बाद ड्राइवर डरा नहीं, उसने भी कैमरा निकाला और वीडियो बनानी शुरू करी, जिसके बाद आपने देखा ही होगा कैसे कर्मी वहां से भागते हुए नजर आए। इसके बारे में आप खुद ही सुनिए ड्राइवर की जबानी। जी, ये घटना टाटीबन बाईपास की है। जो टाटीबन थाना के ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो बाईपास में गाड़ी खड़ी है, उनको जबरदस्ती चाबी निकाला जा रहा है, गाड़ी के पेपर लिया जा रहा है, अवैध वसूली किया जा रहा है सर। और चाबी जो है हमारी निकालते वक्त जबरदस्ती से तोड़ दी गई है। जो सीजी गाड़ी है मेरा, और मेरा नाम मोहम्मद नदीम शाह है, जो टाटी वन का ही घटना है सर। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।